मैंने दुआ तो की है अल्लाह से कि अल्लाह पाक जैसे आपने यहूदियों का मैकडोनल्ड का एम मशहूर किया है, हम तो मुसलमान हैं, हमारा एन मशहूर कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों जद्दा से एक फैमिली आई हुई थी, वो जद्दा जो है ना शामी कबाब पैक करा के लेकर गए। लास्ट टाइम मेरे पास कनाडा से कॉल आई, मुझे जो है ना आपकी शामी बहुत याद आ रही है, मैं मिस कर रहा हूँ। नवीद भाई कनाडा आ जाएँ, यहाँ पर शामी लगाएँ। मैं अपनी बच्चियों को भी, अपनी भतीजियों को भी, और जिस जगह जाता हूँ ये बात लाजमी कहता हूँ कि घरदारी लाजमी सिखाना चाहिए। देखें बीवियाँ या वालिदा, औरत एक जो है मेन किरदार अदा करती है घर की कामयाबी में। अगर औरत मर्द का साथ दे तो एक कामयाब इंसान बन सकता है, कामयाब मर्द का। यानी यूँ कह लें कि एक कामयाब मर्द के लिए एक कोऑपरेटिव औरत का जो है ना साथ होना बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद नवीद नाम है मेरा। 1973 से मेरे अब्बू ने ये काम स्टार्ट किया है, और सिल बट्टे में मेरी वालदा जो है ना शामी बनाकर देती थी। एक दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया, सिल बट्टे पे तेरी मीने कीमा पीस पीस कर मुझे दिया, मसाले सिल बट्टे पर पीस के दिए। और आर्टिफिशियल मेरी वालदा ने एक फ्रिज बनाया हुआ था पतीले से, उसमें शामी बनाकर स्टोर करती थी। फिर एक दिन बनती थी, दूसरे दिन मेरे अब्बू जाना लगा सेल करते थे। रेडी से काम स्टार्ट किया, आज अल्लाह का फजल है कि अल्लाह पाक ने एक ब्रांड की सूरत दे दी है। डेफिनेटली मेरी वालदा ने अपने खामिंद के लिए किया काम, तो आज अल्लाह का फजल है उसके समरात हम ले रहे हैं। हकीकत यह है कि इसमें कोई ख़ास बाजारी कोई चीज़ भी इसमें हम ऐसी नहीं डालते जो इसके अंदर जायका आ जाए। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह का फजल है महज कि अल्लाह पाक ने इसको जो है इतना जायकेदार बनाया है। हाँ उसमें एक ये बात है कि इंतहाई साफ़ सुथरा मटीरियल हम इसमें यूज़ करते हैं, उसमें मीट हो गया, उसमें मसाला जात हो गए, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ना कोई बदयंती है ना कोई बेईमानी। जब बायर जाते हैं सऊदीया तो ज़्यादा लेकर जाते हैं, दुबई भी लेकर जाते हैं,